हेलो बच्चों, क्लास PP2 सब्जेक्ट है हिंदी। बच्चों आप लोग अपना बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 11, ठीक है। पेज नंबर 11 हिंदी बुक ओपन कीजिए। हिंदी में आज हम क्या करेंगे? अभ्यास। बुक पर हम क्या करेंगे? अभ्यास, लिखने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। हम जो भी लिखेंगे, जो भी वाक्य लिखेंगे, जो भी शब्द लिखेंगे, उसमें कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी ई की मात्रा। चलिए अभ्यास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या दिया हुआ है? चित्र पहचान कर नाम लिखो। चित्र पहचान कर नाम लिखो। आपको क्या करना है? आपको चित्र पहचानना है और अपने बुक पर चित्र के नीचे, पिक्चर के नीचे नाम लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर बुक पर लिख दी हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपने बुक पर लिखेंगे, वीडियो वॉच करके अपने बुक पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट पिक्चर है, खटिया। किसका पिक्चर है ये? खटिया। तो देखिए खटिया कैसे लिखा है? ख टा में छोटी की मात्रा टी, या में आ की मात्रा या। क्या लिखा है? क्या हुआ? खटिया। खटिया का पिक्चर है ना, तो देखिए खटिया, खटिया। आप लोग अपने बुक पर लिखिए, ये जो पिक्चर है ना उसके नीचे लिखिए खटिया। उसके बाद सेकंड पिक्चर है गिलास। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिलास। देखिए ग में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की मात्रा गी, ला में आ की मात्रा लास। क्या हुआ? गिलास। पिक्चर के नीचे लिखिए आप लोग गिलास। अब इधर देखिए थर्ड नंबर पर है पिक्चर नारियल का, ठीक है। देखिए नारियल का पिक्चर देखिए, यहाँ पर आप लोग को नारियल लिखना है। नारियल कैसा लिखा है? ना में आ की मात्रा ना, ना में आ की मात्रा ना, और रा में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ए की मात्रा। रा में छोटी की मात्रा री, नारियल, नारियल। ना में आ की मात्रा ना, रा में छोटी की मात्रा री, यल। क्या हुआ? नारियल, ठीक है। ये जो पिक्चर है उसके नीचे आप लोग को लिखना है नारियल, नारियल। उसके बाद ये देखिए किसका पिक्चर है? ये नीप। नाम में छोटी की मात्रा नीप। क्या हुआ? नाम में छोटी की मात्रा नीप। क्या हुआ? नीप। क्या हुआ? नाम में छोटी की मात्रा नीप। क्या हुआ? नीप। उसके बाद पिक्चर पहचानिए गिटार। गिटार है ना, गिटार। तो गिटार ग में छोटी की मात्रा गी, टा में आ की मात्रा टा, र। क्या हुआ? गिटार। गी टार। क्या हुआ? गिटार। तो एक पिक्चर के नीचे आप लोग को लिखना है गिटार। लास्ट पिक्चर देखिए, ये देखिए बछिया। बछिया है ना, बछिया। किसका पिक्चर है ये? बछिया। तो बछिया कैसे लिखेंगे? ब, ब छा में कौन सी मात्रा है ये? छी। हाँ छी। कौन सी मात्रा है ये? छी। मात्रा कौन सी है? छा में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की मात्रा है नी। ब छा में छोटी की मात्रा छी, या में आ की मात्रा या। बछिया ब छी या। क्या हुआ? बच्चा। बछिया। क्या हुआ ये? बछिया। तो ये बछिया है ना, बछिया। ये पिक्चर के नीचे आप लोग को क्या लिखना है? बछिया, ठीक है। ये देखिए खटिया, तो हमने लिखा खटिया। पिक्चर पहचानिए गिलास, तो हमने लिखा गिलास। पिक्चर है नारियल का, तो हमने लिखा नारियल। उसके बाद है किसका पिक्चर है? ये नीप। तो हमने यहाँ पे लिखा नीप, नीप। क्या हुआ? नीप। गिटार का पिक्चर है, तो हमने यहाँ पे लिखा गिटार। बछिया का पिक्चर है, तो हमने यहाँ पे लिखा बछिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है ई की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाओ।
ई की मात्रा लगाकर शब्द ठीक शब्द बनाओ, मीन्स छोटी ई की मात्रा लगाकर हमको क्या बनाना है, सही शब्द बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी शब्द दिया हुआ है उसमें हमको क्या करना है, छोटी ई की मात्रा लगानी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर पर है सौ। सौ कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं है। तो सौ, तो ये सौ को हमको क्या करना है, सही शब्द है, ठीक शब्द क्या बनाना है सौ को, सिव। तो सिव कैसे लिखा है देखिए, सामे हमको ई की मात्रा लगाना है ना, तो सौ को हमको क्या बनाना है, ई की मात्रा लगाकर शिव, सही शब्द बना रहे हैं ना। तो सामे छोटी की मात्रा शिव, क्या हुआ शिव। उसके बाद है कव, कौ। कौ कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं है। कौ को हमको क्या बनाना है, कवि। कवि एक शब्द है ना, हमको क्या बनाना है, कवि। तो कवि कैसे लिखते हैं, क वामे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, कवि, कवि। कौ से क्या बन गया, सही शब्द कवि। सौ से सही शब्द क्या बना, सियो। कौ से सही शब्द बना, कवि। उसके बाद ये लिखा है दन। दन कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो दन को हमको सही शब्द क्या बनाना है, दिन। तो दिन बनाने के लिए देखिए, दामे, दामे हमने छोटी की मात्रा लगाया, तो दामे छोटी की मात्रा दिन, क्या हुआ दिन, दन से क्या हुआ दिन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चढ़िया। चढ़िया कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं है ना। तो चढ़िया को हमको क्या बनाना है, सही शब्द चिड़िया। तो चिड़िया कैसे लिखते हैं, चामे छोटी की मात्रा ची, रामे छोटी की मात्रा डी, यामे आ की मात्रा या, क्या हुआ चिड़िया, चिड़िया। चलिए पढ़िए, चिड़िया, चिड़िया, क्या हुआ चिड़िया, चिड़िया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है बटिया, बटिया। बटिया को हमको क्या, सही शब्द क्या बनाना है, बिटिया। बटिया का सही शब्द क्या बनेगा, बिटिया। तो बा में कौन सी मात्रा लगाएंगे हम बिटिया लिखने के लिए, छोटी की मात्रा है नहीं, बा में छोटी की मात्रा बी। टा में भी हमको छोटी की मात्रा लगानी है, टा में छोटी की मात्रा टी, या में आ की मात्रा या, बी टी या। बटिया का सही शब्द आएगा बिटिया, बटिया का सही शब्द क्या आएगा, बिटिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है खटिया। खटिया सही शब्द है? नहीं है। खटिया अभी हमने पढ़ा ना, ये देखिए खटिया, खटिया सही शब्द है। तो यहाँ पर खटिया को हमको सही शब्द बनाना है, खटिया को खटिया। ख टा में छोटी की मात्रा टी, या में आ की मात्रा या, क्या हुआ खटिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है परवार। परवार कोई शब्द नहीं है, ठीक है, परिवार शब्द है। तो परवार को हमको क्या करना है, सही शब्द क्या बनाना है, परिवार, परिवार। वेरी गुड बेटा। तो परवार को हमको सही शब्द प, रामे छोटी की मात्रा री, वा में आ की मात्रा वा, रे, क्या हुआ प री वार, क्या हुआ परिवार। परिवार का सही शब्द क्या होगा, परिवार। उसके बाद देखिए शनिवार। हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बोलते हैं ना, शनिवार तो नहीं बोलते हैं। तो शनिवार का सही शब्द हमको क्या बनाना है, शनिवार। तो देखिए शनिवार स, अब नामे छोटी की मात्रा नी, शनि, वा में आ की मात्रा वा, रे, क्या हुआ शनिवार। शनिवार का सही शब्द क्या होगा, शनिवार, शनिवार, शनिवार। उसके बाद रविवार। शनिवार के बाद रविवार आता है ना, तो यहाँ पे रविवार का सही शब्द क्या होगा, रविवार। र वा में छोटी की मात्रा वी, रवि, वा में आ की मात्रा वा, रे, क्या हुआ रविवार, रविवार, है ना। चिड़िया का सही शब्द क्या बना, चिड़िया। बटिया का सही शब्द बिटिया। खटिया का सही शब्द खटिया। परिवार का सही शब्द परिवार।
शनिवार का सही, शनिवार का सही शब्द शनिवार, रविवार का सही शब्द क्या बनेगा? रविवार। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर देखिए, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो, यहाँ पर देखिए शब्द दिया हुआ है। ठीक है, पीला मिला रिमझिम टिम टिम दीन पीन बिटिया खटिया, ये क्या है? शब्द है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या है? फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, अक्षर यहाँ पर ब्लैंक था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर जगह ब्लैंक था, खाली था। ठीक है, उसको मैं लिखती हूँ, अक्षर खाली स्थान कर लिख। तो अक्षर, यहाँ पे जगह खाली था, अक्षर खाली स्थान कर लिख। तो अक्षर पिला कर लिखेंगे कि मिला कर लिखेंगे? मिला कर। गुड, अक्षर हम मिला कर लिखेंगे। यहाँ पे पीला लिखा हुआ है, यहाँ पर मिला लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है? मिला। तो यहाँ पर अक्षर मिलाकर लिख। सेकेंड नंबर पर है, ब्लैंक है यहाँ पर, मैं यहाँ पर रिमझिम लिख दी हूँ। ठीक है, खाली स्थान जल बरस रहा था, खाली स्थान जल बरस रहा था। अब यहाँ पर शब्द देखिए, जल कैसे बरसता है? रिमझिम। कैसे बरसता है जल? रिमझिम। और यहाँ पर दिया है टिमटिम। टिमटिम तो तारे टिमटिमाते हैं ना रात में, जल तो पानी के कैसे गिरता है? रिमझिम। तो यहाँ पे रिमझिम जल बरस रहा था, यहाँ पे क्या आएगा? रिमझिम। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक था। ठीक है, खाली स्थान निकला आया, खाली स्थान निकला आया। तो यहाँ पे शब्द देखते हैं क्या, कौन कौन सा शब्द दिया है? दिन और पिन। कौन शब्द दिया हुआ है? दिन पिन। तो खाली स्थान निकल आया, क्या निकल आया? दिन निकल आया। पिन निकलता है? नहीं निकलता है ना, तो क्या निकला, क्या निकल आया? दिन निकल आया। उसके बाद शविता खाली स्थान इधर आ, शविता खाली स्थान इधर आ। देखते हैं यहाँ पर शब्द सविता बिटिया आएगा कि खटिया आएगा? सविता बिटिया आएगा कि खटिया आएगा? सविता खाली स्थान इधर आ। तो सविता बिटिया, ये है ना बिटिया, सविता बिटिया इधर आ, क्या आएगा? सविता बिटिया इधर आ। ठीक है, अक्षर मिला कर लिख, रिमझिम जल बरस रहा था, दिन निकल आया, सविता बिटिया इधर आ। ठीक है, ये हुआ, ये क्या करना है आप लोग को? अपने बुक पर लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर खटिया, गिलास, नारियल, नीप, गिटार, बचिया। ठीक है, शिव, कवि, दिन, चिड़िया, बिटिया, खटिया, परिवार, शनिवार, रविवार। उसके बाद अक्षर मिला कर लिख, रिमझिम जल बरस रहा था, दिन निकल आया, सविता बिटिया इधर आ। ठीक है, आप लोग वीडियो वॉच करके अपने नोटबुक पर इसको भरेंगे। ठीक है, अपने नोटबुक पर इसको लिखेंगे। ओके।